हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय शर्मा आपको होम्यो क्लिनिक एट होम चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स यानी श्वेत रक्त कण के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, इसे से क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं, साथ ही इससे शरीर के संक्रमण होता है या नहीं होता है, इन सारे विषयों के बारे में, साथ ही इसके होम्योपैथिक मेडिसिंस भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें। तो आइए जानते हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स होता क्या। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, रोगों के संक्रमण से लड़ती है। वह आपके रक्त में पूरे शरीर में घूमती है। यह ब्लड का केवल 1% होता है। वह संक्रमण के खिलाफ एकमात्र आपके शरीर का पहरेदार है। आपका शरीर में लगभग ब्लड WBC से बना होता है। WBC के 5 टाइप्स हैं। WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रक्त कण के 5 प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स। यह बैक्टीरिया और कवक को मारकर आपके शरीर को संक्रमण से बचाता है। दूसरा है मोनोसाइट्स। यह बैक्टीरिया और कवक को तोड़कर शरीर को संक्रमण से बचाता है। तीसरा है लिम्फोसाइट्स। यह बैक्टीरिया, कवक, वायरस अन्य आक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है, जो आपको इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। चौथा है बैसोफिल्स। कोशिकाएं स्टामाइन जैसे रसायन केमिकल्स स्रावित करती हैं, सेक्रेट करती हैं, जो एलर्जी प्रतिक्रियाओं के दौरान निकलती है। पांचवा है एसिनोफिल्स। ये परजीवी और कैंसर के कोशिकाओं को पहचान करता है और बेसोफिल्स को एनर्जी में बदलकर उनकी क्रियाओं का उसमें मदद करता है। अब जानेंगे, तो ये थे WBC क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इससे बचाव करने के लिए हमें घरेलू कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। कि WBC को बढ़ाने के लिए अगर कम गया हो तो सब्जी, हरी सब्जी, दही, ग्रीन टी और साथ ही लहसुन का प्रयोग कर आप WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रक्त कण को बढ़ाकर आप बीमारियों से लड़ने में उसके शरीर को मदद कर सकते हैं। से बचाव के लिए कुछ घरेलू उपाय, और अब हम लोग जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपके शरीर में श्वेत रक्त कण यानी अगर ये घट गए हों, तो आप कैल्केरिया आर्स नामक दवाइयाँ, कैल्केरिया आर्स नामक मेडिसिन 200 पोटेंसी में हर 3-3 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में लें, आपका WBC निश्चित रूप से प्रोग्रेस करेगा और बढ़ेगा भी। दूसरी दवा है, अगर ये बढ़ गया हो तो इसको कम करने के लिए बराइटा म्यू। अगर
आपके शरीर में WBC बढ़ गया हो तो आप वराइटा में 200 पोटेंसी में हर दो दिन बीच करके सुबह खाली पेट में लें, ये आपको निश्चित लाभ देगा। अगर आपके शरीर में सूजन, हांफने जैसी स्थिति और खांसी इस तरह के रोग पैदा हो जाए और वो भी अचानक मौसम चेंज होने से, तो ऐसी स्थिति में आप ओसमियम सैंक्टम क्यू का 10-10 बूंद दो बार सुबह शाम ठंडे सुषुम पानी यानी हल्का गर्म पलकर पिएं, ये निश्चित रूप से आपको एसनोफिल और तरह तरह के WBC के वैरायटियों को कम करने में मदद करेगा। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही कमेंट और लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।